वंदित सब सिद्धि धूम चर्मणोवंगयं पते बोच्छामि समय पाहुर विडमौषध केवलीभणित नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय समय सर जी परमागम विराजमान है। 12वें नंबर की गाथा देख रहे हैं पर देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं गया था सारी चर्चा हो गई अपनी। 12वें नंबर की गाथा में निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं क्यों प्रयोजनवान है ये बताना है। निश्चय नहीं का महत्व क्या है और व्यवहार नहीं का महत्व क्या है और दोनों का प्रयोग कब कब करना चाहिए, इसलिए 12वें नंबर की गाथा महत्वपूर्ण है। जहां तक चर्चा होगी उससे अपन आगे चल रहे। देखो यदि आप इसकी गाथा को भावार्थ को देखोगे, गाथा को भावार्थ को, तो आप दो निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। परम भाव शुद्ध नय, शुद्ध नय की चर्चा कल बहुत की थी अपने सुबह शाम। जो शुद्ध नय तक मतलब परम भाव तक ज्ञाय तक ज्ञाय की श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाए हो उनके लिए व्यवहार नहीं कैसे प्रयोजनवान है एक चर्चा तो ये आएगी। और दूसरे जो जीव सम्यक दृष्टि तो हो गए लेकिन पूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुई, सम्यक दृष्टि तो हो गए लेकिन पूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुई, उन्हें व्यवहार नहीं कैसे प्रयोजनवान है ये दो बात हो गई। तीसरा अर्थ पर स्पष्ट निकालेंगे कि जो शुद्धात्मा को जानकर उसमें पूर्णतया रम गए हैं जिसको यह परम भाव कह रहे हैं, उस परम भाव को प्राप्त हो गए असल में असल देखा जाए तो ये शुद्ध नय है, शुद्ध नय का विषय है, शुद्ध नय का फल है। इसे अपन तीन तरह से इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दो शब्दों की चर्चा करके अपन भावार्थ पढ़ेंगे इसमें से, एक साध्य और एक साधक। क्या बोला हमने? एक साध्य और एक साधक। एक साधक भूमिका है ये व्यवहार है। जहां तक साधक भूमिका का वर्णन है, विचार है, विकल्प है, वो सारा का सारा व्यवहार नहीं कहलाता है। आपको मालूम होगा नए दो तरह के हैं, वचनात्मक और एक ज्ञानात्मक। एक बार बोलो, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। एक बार और बोलो, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। नए दो तरह के हैं, एक तो बचनों के द्वारा जब बोले जाते हैं तो वचनात्मक नए बन जाते हैं, और जब हम बोलते तो नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर हमारा चिंतन चलता है, गुण गुणी वेद का चिंतन चलता है, देहासीन विचार चलता है, पूजा पाठ का विकल्प चलता है, चलता है वो ज्ञानात्मक है। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। इसकी भाव में क्या कह रहे हैं?
जो पुरुष अंतिम पाक, अभी अंतिम पाक का दृष्टांत दे रहे साधक साधक, अंतिम पाक में उतरा हुआ सोना ही साध्य है। 24 कैरेट सोना प्राप्त करना साध्य है, समझिए 24 कैरेट। हमें कैसा कैसा पत्थर मिला है, वो स्वर्ण पाषाण, कैसा मिला है हमें स्वर्ण पाषाण। अब हमारे पास जो स्वर्ण पाषाण है उसे हम अग्नि का ताव देते हैं, अग्नि का ताव देते हैं तो चट्टान चटक चटक करके दूर होती जाती है, और जब तीव्र ताप के साथ बहने लगता है वो सोना अलग होता चला जाता है। ऐसे हमने 16 ताव दिए, 16 ताव का मतलब यह है, गिनती में नहीं लेना 16, हाँ 16 आना मतलब ये है, 16 ताप का मतलब ये होता है एक रोह में 16 आना होती है। तो पुराने जमाने की भाषा है 100%, आजकल अपन 100% बोलते ना 100%, तो पुराने जमाने में उसको 16 आना कहते थे, 16 ताव कहते थे, 16 का मतलब 100%, बराबर है। माने अग्नि पाषाण जो स्वर्ण पाषाण है उसे अग्नि का ताव तब तक दिया जाता है, उसका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि 100% 24 कैरेट का सोना हमें न मिल जाए। अब 24 कैरेट का सोना ये हो गया साध्य, और बीच में जितनी प्रोसेस करेंगे, निकालना, पत्थर से तोड़ना, हथौड़े से तोड़ना, फिर अग्नि में ताव देना, नाना प्रकार के उपाय करेंगे। पुराने जमाने का दृष्टांत है, यदि मुझे जब दृष्टांत देना होता तो मैं ये नहीं दे रहा। पुराने जमाने में आचार्यों ने देखा होगा सोना निकलते हुए, तो उन्होंने बहुत दृष्टांत दे दिए। अब आजकल तो सोना निकलता हुआ कौन देखता है, जब एलियो सराफे के सेवा कौन देख रहा है, बेबी कितना देखते हैं, फैक्ट्रियों में बनने लगा आप सब, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम दूसरा दृष्टांत दे देते हैं आपको, सरल दृष्टांत। काय का दृष्टांत दे रहे, साधक और साध, साध्य हमारा टारगेट, साध्य हमारा टारगेट और साधक है उसकी प्रोसेस, साधक है उसकी प्रोसेस। सरल दृष्टांत दे, आपको यहां से विदिशा से दिल्ली जाना है, बराबर, तो आप तो टिकट लेके बैठ गए, रास्ते में जितने स्टेशन आ रहे हैं वे जानने लायक है या जानने में आने लायक है, ध्यान से सुनना, बहुत एक ही लाइन में काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली जाना है तो कुछ लोग बच्चे जो होते हैं, बच्चे वो चंचल होते हैं, वो खिड़की पर बैठते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, एक ही स्टेशन को देखते हैं, लेकिन लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं संतोपयोग में चले जाते हैं, समझ गए, संतोपयोग अपने टिकट लिया सो गए अपने आराम से, अब सीधे स्टेशन पे उतरेंगे, मतलब लक्ष्य बिंदु पे उतरेंगे। बच्चों को ऐसा लगता है कितना बड़ा, कितने बढ़िया बढ़िया स्टेशन आ रहे हैं, देखो तो पॉइंट पकड़ना, कितने बढ़िया बढ़िया स्टेशन आ रहे हैं, देखो तो छोटे छोटे बच्चों के पापा देखो जल्दी निकल जाएगा स्टेशन। कुछ कहना है मुझे दृष्टांत में, कुछ कहना है सुनो, थोड़ी सी पूजा पाठ करी और अहंकार उन्हें होता है जिन्हें लक्ष्मी कवर लगे, थोड़ी सी स्वाध्याय करी, अरे हम बहुत बड़े स्वाध्यायी, हम बहुत बड़े प्रवचनकार, हम बड़े अनुव्रति, हम प्रतिमाधारी, और तुम क्या समझते हो 50 साल से पूजा कर रहे। सुनो भाई, तुम्हें लक्ष्य बिंदु की खबर नहीं, क्योंकि जिनका जिनकी दृष्टि लक्ष्य पर होती है वो बीच में अटकते नहीं है। जिन्हें 24 कैरेट का सोना चाहिए, बोलो पुण्य का उदय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अभी तो पाषाण खंड था, अब थोड़ा बहुत सोना ही हुआ, और सोना हुआ, और सोना हुआ, और सोना हुआ, बोलो पुण्य का उदय आया कि नहीं आया। लेकिन 24 कैरेट का जिन्हें चाहिए वो बीच में अटकते, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये दृष्टांत। आप सोचो 24 कैरेट के सोने का,
कौन सा स्टेशन अच्छा है? आगरा, झांसी, मथुरा? बोलो भाई। चलो अच्छा, एक घंटा खड़ी रही, अपन आराम से पूरा स्टेशन देखे, या कैसे कैसे वो लगे हुए हैं, एलईडी बोर्ड, मैसेज बोर्ड, क्या क्या होते हैं सारे, और क्या क्या सुविधा है, और बढ़िया मजा आ गया। पैसा को पैसा नहीं लगा, प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं लेना पड़ा। कितने रुपए बच गए? 5 रुपए, 10 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट के पैसे बच गए, और आगरा भी घूम लिया अपन ने बढ़िया स्टेशन पर। उसे तो ये लग रहा है हम लक्ष्य पर कब पहुंचेंगे। आई बात समझा? ऐसे ही अब दो बातें लेनी है, दो बातें। जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ उन्हें सम्यक दर्शन के पहले चैन नहीं पड़ती। शास्त्र पढ़ने पर भी शास्त्र पढ़ने में चैन नहीं है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र पढ़ने में चैन नहीं है, अज्ञानी शास्त्र पढ़कर चैन। चलो भाई, जब 20 साल जिंदगी के बेकार बीत गए, फिर एक दिन हमें बढ़ के निमित्त मिलेगा, तब से हम पढ़ने लगे, अब बड़ी शांति मिली। कि तुम धोखे में हो, शास्त्र पढ़ने से शांति नहीं मिलती। सरल दृष्टांत, मेडिकल की बुक पढ़ने से सर्दी जुखाम नहीं मिटता। बोलो, रेसिपी की बुक्स पढ़ लेने से टेस्ट नहीं आता, शास्त्र पढ़ने से आनंद नहीं आता। और आप शास्त्र पढ़ के प्रसन्न होंगे? पंडित जी पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, अब तो पढ़ रहे। यदि ऐसी बात हो गई, फिर जैसे लक्ष्य बिंदु की खबर नहीं। मैं लंबा दृष्टांत नहीं दूंगा, छोटा सा दृष्टांत देंगे। बोलो भाई, व्यापारी लोग हो आप, तो अकाउंट मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? रात को शाम को अकाउंट मिलाते हो कि नहीं मिलाते? तो अपना बही खाता कितनी देर देखने का नियम है? मेरे प्रश्न में है, बही खाता कितनी देर देखने का नियम है? समझ गए? जब तक कैश बैलेंस हिसाब किताब ना मिल जाए। क्या आपने कभी इसकी प्रतिज्ञा ली किसी के सामने? नहीं सर, हम तो 10 मिनट रोज देखे। पहले तो हम देखते ही नहीं थे, नौकर चाकर देखते थे सर। अब तो हमने 10 मिनट का नियम ले लिया, और घड़ी रख ली सामने, और अकाउंट देख रहे भैया अब हमारे टाइम होगा। कुछ समझो, दुनिया में जितने भी साधन है, पॉइंट पकड़ो, पॉइंट, जितने भी साधन है वो साध्य के लिए। फिर से, साधन साध्य की खबर नहीं होगी तो भटक जाओगे। साध्य क्या है आपका, बोलो? हम यदि कहेंगे तो दो साध्य हमारे, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान। दो भाषा भी कहते रहे हम, सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान। बोलो भाई, सबके लिए मंजूर कर रहे हो बात? हाँ ना, बोलो तुम, आगे बोलो, बोलो। नहीं बोल रहे तो मन बोलो, हम क्या करें? नहीं आएंगे वो तो ठीक है, वो तो अपन बाद में समझा। अभी तो व्यवहार की बात चल रही ना, व्यवहार नहीं कहा प्रयोजन बान है। अभी व्यवहार नहीं की बात चल रही, सतने की चर्चा तो अपन ने कर ली। जो इसको प्राप्त नहीं हुए सम्यक दर्शन को, वे क्या करें? सम्यक दर्शन, और जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए वो केवल ज्ञान की तैयारी करें, रत्नत्रय की पूर्णता करें। यहाँ पे लिखा रत्नत्रय की पूर्णता करें। चलू आगे? चलो, अब मैं फिर से पूछता हूँ, तो बोलो ये दो ही लक्ष्य है अपने? बोलो, नहीं मुझे कुछ कहना है। यदि आप कहोगे हाँ, तो फिर मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपूंगा। सुनो, तुम्हारा साध्य स्वानुभव है या ख्याति लाभ है? तो फिर तुम बार बार अकड़ में क्यों कहते हो हम 50 साल से पूजा कर? इसका मतलब तुम 50 साल का क्रेडिट लेना चाहते हो। क्या बताए पंडित जी, हम नहीं आए तो सब कोई जल ना भरे, हम नहीं आए तो ऐसा ना हो। हमें तो यही चिंता लगी, हमारे बाद में भगवान को क्या हुई है? सुन, पहले तुम ये बताओ कि तुम मंदिर आते थे, तुम्हें तुम्हारी इच्छा क्या थी? तुम मंदिर आए थे तो काय के लिए आए थे, ये बताओ? तुम अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए आए थे या केवल भगवान को कौन पूछेगा ये इस चिंता से आए थे?
क्यों तुम इसलिए रेलगाड़ी का टिकट लेकर दिल्ली जाती हो? बताओ पंडित जी, हम नहीं जाएंगे तो रेल को क्या हुई है? क्यों, क्या हुआ रेल का? बता, गवर्नमेंट ने इतनी रेल चला दी, वो कोई नहीं जाएगा तो रेलवे डिपार्टमेंट घाटे में चला जाएगा। हम रेल का टिकट इसलिए नहीं खरीदते, केवल बोलो भाई, अभी मैंने पूजा पाठ में कहा, मुझे सब जगह कहना है। आप मेरा बस चले थे तो मैं अब प्रवचन नहीं करना चाहेगा। मेरा इच्छा है यार, जैसे आजकल वो कैंप लगते हैं ना, कैंप जिनको अच्छी भाषा में कहते हैं वर्कशॉप, मुझे वर्कशॉप लगाने की इच्छा है। जिस समय आप अपने आप से ऐसा बोलते हो किसी से, पंडित जी हमने 10 साल से नमक नहीं खा, तो आप खुश हो? 10 साल से नमक नहीं खाया, आप खुश हो? हाँ, ये सब तो खाओ, हम नहीं खाओ। तो सुनो, तुम्हारा टारगेट केवल नमक नहीं खाना ये था? तुम्हारा टारगेट ये था कि सब लोगों को पता लग जाए कि हमने 10 साल नमक नहीं खाया, ये कहलाना था? तुम्हें जगह से सर्टिफिकेट लेना था? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो भाई, यदि वर्कशॉप की आज्ञा दियो तो मैं तो इसमें वर्कशॉप कर। जैसे मोटरसाइकिल चलाना सीखना हो ना, तो अभी वर्कशॉप की जरूरत पड़ती है, माने कोई टोकने वाला चाहिए। ऐसे समय दर्शन करना हो तो कोई टोकने वाला चाहिए। आपको निरोगी होना हो तो कोई टोकने वाला चाहिए। ऐसे भगवान बनना हो तो कोई टोकने वाला चाहिए। वर्कशॉप माने टोकना। हमारा तो जीवन सफल हो गया, काहे से? पहले तो पंडित जी कोई जानते नहीं थे समाज में। हम तो जब आए थे 20 साल पहले गांव से, खाकू नहीं जाना। तो अब हम आगे आगे दौड़ के काम करे, आगे आगे दौड़ के काम करे। कहीं भी शादी ब्याह हो तो सबसे आगे परसद हम, तो सब जाने लगे। कहे बन जब परसेंगे तो जीरे रसगुल्ला चाहिए भी अपने देखेंगे, और फिर जिनकी मन की इच्छा पूरी कर दी अपने, दो रसगुल्ला परस जाए, 3 परस जाए, तो खेल भैया जो बहुत बढ़ गया है। कहा भैया तुम को नहीं हो? जी हूं, आज पहली बार देखो। हाँ, फला गांव की हूं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका परिचय हो गया। तो हमारा फिर उद्देश्य है कि तुमने जो काम किया था परिचय के लिए किया था या स्वर्गों के लिए किया था? पंडित साहब की तो रचना बहुत सुंदर है, जैनी किसे कहते हैं, जैनी किसे कहते हैं, उसमें पंक्ति आती है, स्वानुभूति बिन परिणति सोनी, राग जहर समझाने जो। बोलो तुम्हें कैसा लगता है, स्वानुभूति बिन परिणति कैसी लगती है? बोलो, बुरा तो नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, जो कर रहे हो ठीक है, तुम जैसा भी कर रहे हो, लेकिन कल्पना करो किसी दिन अपन मंदिर नहीं जा पाए, भोजन करें तो कैसा लगता है? स्वानुभूति बिन परिणति सुनी, ऐसा लगता है आपको? जैसे जिस दिन मंदिर नहीं जाए और रोटी खा लियो, तो अपने आप की भाषा में बोलो तो दिन भर रितियात नहीं है। रितियात समझते हो? अच्छा सा नहीं लगता, जैसे बैड फीलिंग्स ही होती है। भले ही चाहे अपन कैसे ही जाते, भगवान ने देख भर आते, तो तुम भगवान को देखने जाते तो काहे के लिए जाते, रोटी खाने के लिए? समझो कुछ कह रहा हूं मैं, यहां लिखी है सब बात भावार्थ में, भावार्थ में लिखी है। साधक और साध्य का व्यवहार वहां तक प्रयोजनवान है जहां तक साध्य की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन साध्य की प्राप्ति किससे होगी? जिसका साध्य पर लक्ष्य होगा, साध्य पर ध्यान होगा, साध्य का विचार ही नहीं है। फिर से कहता हूं, दुनिया में साधक साध्य के बिना कोई आदमी नहीं, उसका साधक नहीं मिलता, साध्य पला नहीं मिलता, साध्य में लक्ष्य नहीं मिलता, तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। बच्चे ने साल भर पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, 12-12 घंटा रोज, और रिजल्ट क्या आया कि 2 विषय सप्लीमेंट। मतलब कैसा लगता है, मेहनत तो बहुत करी उसने, तो प्रसन्न नहीं होता। साल भर पढ़ाई करी लेकिन 50% से पास हुआ, अरे पंडित जी मजा नहीं आया,
साल बेकार चली गई। साल बेकार कैसे चली गई? कि हम 50 पढ़ सामने तो 80 ही सोचे, समझ में आ गया? मैंने उसको चैन नहीं पड़ती। आप व्यापार करते हैं, बिक्री तो हुई 1 करोड़ की और प्रॉफिट हुआ नहीं, वो माइनस हो गया, माइनस हो गया लॉस, प्रॉफिट नहीं हुआ। बोलो आपको कैसा लगता है 1 करोड़ की बिक्री कैसी लगती है, इतने ग्राहकों को आना कैसा लगता है? दुख लगता है। काय का दृष्टांत दे रहा हूं, स्वानुभूति बिन परिणति सुनी, आपको लगती है? सब लोग ध्यान से समझो। तो फिर सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन व्यवहार से कह रहे हैं, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन मैंने जो कल तक अपन ने चर्चा की है, मैं ध्रुव ज्ञान भाव सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, मैं परिणामी भाव हूँ, इसे जाने बिना चैन नहीं पड़ती। जैसे दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ती, ऐसे हम कह रहे हैं स्वानुभव के बिना चैन नहीं पड़ती। और राग कैसा लगता है? राग जहर समझाने जो, राग समझिए, राग ख्याति का राग, खुद को जो ख्याति चाहिए वो राग जहर जैसा लगता है। सुनो, कर्तत्व का राग वो जहर जैसा लगता है, भोक्तत्व का राग जहर जैसा लगता है। और ज्यादा क्या कहें, राग की चरम सीमा। सुनना तेरा बहुत सूक्ष्म बात है, मैं ज्ञायक हूं ये भी जहर जैसा लगता है। ध्यान रखना विकल्प राग, राग मैं ज्ञायक हूं ये राग भी जहर जैसा लगता है। समझ नहीं आए? अभी तो अपने को अच्छा लगता है, मैं ज्ञायक हूं, विचार चल जाए उससे तो बहुत धन्य हो जाते हैं। बोलो दुकान पे कोई बैठा हो तो ग्राहक सेठ जी कहे और आप भूल ही जाओगे बस सेठ जी है, अपन ज्ञायक है, ध्रुव है, मस्ती में हो, सही बता ना, वो दिन तुम्हें कैसा लगेगा? अरे साहब आज तो आनंद आ गया, आज तो प्रवचन का रस हो गया, आज तो मन दुकान में बैठ बैठे होश ही नहीं रहा मैं। तो सुनो ना, तुम पागल हो, पागल हो, पागल होने की बात नहीं चल रही। सम्यक दृष्टि भावना नहीं होता, जागृत प्रज्ञा चैनी, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। ग्रंथों में दृष्टांत दिए हैं, मैं संक्षेप में दूंगा उसे। कोई नाटक में रोल करता है, उसे अपना एहसास अपनी अनुभूति कब भूल जाता है? तो नाटक में ढंग से प्ले नहीं करता वो। यदि स्त्री का रोल करे, सीता का रोल करे, तो सीता जैसे नहीं बोलता है वो, सब काम नहीं करता जैसे जैसे करना चाहिए। इतना डाइल्यूट होकर करता है कि किसी को खबर नहीं पड़ती, लेकिन वो अपने से नहीं छूटता। ऐसे सम्यक दृष्टि में व्यापार धंधा करती है, 6 खंड होता है, विवाह शादी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक समय मात्र को भी अपने से नहीं चूकते। स्वानुभूति बिन परिणति सुनी, सुनी बोलो भाई पूजा करी, कल भी पूछा था पूजा करी। जब तक आपको स्वानुभव नहीं हुआ, चैन नहीं पड़ना चाहिए। भैया हमें 1 घंटा पूजा कर ले, अब हमें तो बता हमारा काम भाव के नहीं। अब इसमें भी एक बात और समझ लो, तुम्हें किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगना, तुम्हें तुमको सर्टिफिकेट देना है। क्या बोल रहे हो? पूजा करते समय कोई से पूछो नहीं, सोम प्रकाश दिया जाए तुम कह दो भैया हमने 1 घंटा पूजा कर ली, हमने 1 घंटा पूजा कर ली, सोम प्रकाश जी भैया देख लेते तो फिर बता देते ठीक हो गई पूजा। ये नहीं, नहीं तुम तुमको सर्टिफिकेट दो। प्रभु पंडित साहब की रचना तो बहुत ही जोरदार लगती है, पंडित साहब की रचना पढ़ो आप, पूरी व्यवहार में से कैसे परमार्थ निकालना है, साधक साध्यक में से साध्य कैसे निकालना है, वो पूरी रचनाओं में भरा हुआ है। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने, महानंद क्यों आए हैं पूजा कर, महानंद उधर का थोड़ी आया, इधर का आनंद आया। बोलो भाई उपवास के दिन दिन भर रोटी याद आती है कि क्या है, क्या आता है? लिखा है, पढ़ के कहो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। परावलंबन छोड़ने के लिए, कैसा था लिखा है, परावलंबन छोड़ने के लिए अणुव्रत महाव्रत धारण करता है।
जबरदस्त बात लिखी है, फिर से बोलो, परावलंबन छोड़ देने अनुव्रत महाव्रत धारण करता है। पूरी तरह से अवलंबन नहीं छूटता था तो अणु छोड़ा, अणु मतलब थोड़ा छोड़ा, थोड़ा परावलंबन छूटा ये अनुव्रत और पूरा परावलंबन छूटा ये महाव्रत। पॉइंट पकड़ो जी, नहीं कह रहे ठंड गर्मी बरसात सहन करने से मोक्ष होता है, कुछ कहा मैंने? ये नहीं कह रहे पीजी कमंडल से मोक्ष होता है, ये नहीं कह रहे केस लॉन्च से मोक्ष होता है। केस लॉन्च से किसी का मोक्ष नहीं होता, यदि होता तो सुअर का सबसे पहले हो जाता। क्या मतलब निकला? तो समझो, केस लॉन्च का जो विकल्प था ना, उस समय परावलंबन छोड़ा ना तो पैसा चाहिए हमें, ना नाई की जरूरत, ना समाज भाई बुला रही हो, ये भाई फोन दीजिए नाई को बुलवा रहे, इतना परावलंबन छोड़ दिया केस लॉन्च करने से। वो जो फोन की याद नहीं आई, किसी की याद नहीं आई, नाई की याद नहीं आई, पैसे की याद नहीं आई, जरूरत महसूस नहीं हुई, उतना उतना परावलंबन छूटा। ये दृष्टांत दिया समझाने के लिए आपको। सुनो, सूक्ष्म करें थोड़ा, ठंड आने पर रजाई याद नहीं आई, ये परावलंबन छूटा, इससे परावलंबन छूटा। अब जी थोड़ा नास्ती की तरफ से बोलो परावलंबन छूटा, अस्थि से बोलो स्वावलंबन हुआ। स्वावलंबन हुआ मैंने आत्मा में उपयोग रम गया, तो जितने जितना उपयोग आत्मा में रमा उतना उतना कर्मों की निद्रा हुई। काय के लिए कर रहे थे? अब क्या करें भैया, ठंड बढ़ रही, हमें तो ठंड में ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो हम लोग तो रजाई ओढ़ लोगे। सुनो सुनो, इसके लिए नहीं, ठंड में हमें रजाई याद ही नहीं आई, इतना स्वावलंबन था, इतना स्वावलंबन था कि रजाई, ध्यान रखना मजबूरी में नग्न रहना और ठंडी सह लेने का नाम रजरा नहीं है, उसका नाम तो आश्रम बन तत्व है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, परावलंबन छोड़ने के लिए अनुव्रत महाव्रत धारण करते हैं। अब तुम लगाओ जितना जितना लगाना हो तुमको, हमसे कहो तो हम पूरी जिंदगी लगाते रहेंगे सब बैठ कर, अपने लिए लगाएंगे, आप अपने लिए लगा। देखो सरल बात कर रहे, थोड़ी सरल भाषा है, बता भाई अष्टमी चतुर्दशी के दिन भोजन मौन पूर्वक करना चाहिए कि बोल के करना चाहिए? नहीं, दृष्टांत है, हमने दो ऑप्शन दिए उसमें से एक बता दे, मौन पूर्वक। अरे मौन क्यों है जी? स्वावलंबन के लिए है भैया, भोजन में जो आएगा वो सहजता से लेकर के वेद विज्ञान करेंगे, यदि जरूरत होगी, जरूरत होगी तो स्वावलंबन के लिए वेद विज्ञान करेंगे, उपयोग नहीं भटकाएंगे, बस खतर। पॉइंट पकड़ो, अब मौन का लक्ष्य था उपयोग नहीं भटकाना, मौन का लक्ष्य था स्वावलंबन, मौन का लक्ष्य था आत्मस्थिरता, नाम कुछ भी रखो, मौन का मतलब था कुछ नहीं मांगना, बहुत सारे अर्थ कर दो ऐसे। अब हम फिर कह रहे मौन का अगले लिया था, तुम तो घूम करने लगे, तो फिर समझो तुमने मौन का अर्थ नहीं बोलना लिया था। तो सुनो, बोलने के बहुत प्रकार होते हैं, भाषा विज्ञान पढ़ो, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में इशारा भी बोलना है, आंखों से भी बोला जाता है, समझ गए, इशारे से भी बोला जाता है, मुंह करके भी बोला जाता है, वो तो बोला ही दिया। और सुनो, जैन शासन तो ये कहता है बोलने का भाव आया यही बोलना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पकड़ो इस बात को, मैं क्यों कह रहा हूं उसके कई कारण, एक तो तुम्हारा लाभ नहीं होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान, और दूसरा तुम जब हु करोगे तो वही परंपरा चलेगी, बच्चों ने देखी हु करो जाकर तो वही परंपरा चल जाएगी, हाँ रूढ़ी बन जाएगी, तो मौन के नाम पर भी गलत परंपरा चल जाएगी, फिर सवाई इशारा करने लगेगी। हमारे साथ एक भैया थे, है मतलब थे कह रहे हैं, पुरानी घटना इसलिए कह रहे, भी रोज भोजन में बैठे हो मौन पूरा और रोज इशारा करे, और ऐसे इशारे करेंगे अपने समझ में नहीं आए, जहाँ अच्छी आपने पता नहीं
पहले पहले टेलीविजन पे समाचार आते थे गुहों के समाचार, अभी भी आते होते हैं गुहों के समाचार, अपने पल्ले नहीं पड़ते मुझे नहीं, ऐसे ऐसे कि मुख बधे ना मुख बधे समाचार ऐसे ऐसे सारे गति से अपने समझ नहीं पड़ते भाई। तो भाई एक आध दिन की बात होता हमें ठीक है, अब हमारी हमारी वो थोड़ी परंपरा ऐसी रहती ना, हम पांच छह आठ भाई है अकेले में तो भोजन बनाते करते हैं, हमने रोज भोजन पर बैठे रोज कचू कचू पर तो कचू कहे अब अपन ले नहीं पड़े कचू। तो फिर हमने कह दिया भैया तुम्हें मौन है कि नहीं, पहले जो बोला मौन है तो जो मिल रहा वो खा और नहीं तो फिर कह दे मैंने इतनी बार इशारा करा हम नहीं समझ पाए। फिर जब उन्होंने पानी वानी पी लिया तब कही हमें हमें भी चाहिए थी मुनक्का, तो हम ये मुनक्का हम क्या समझते थे जो झुक्का होते जो मैंने पूरा टाइम अपने को भी तकलीफ और उन्हें भी विकल्प तकलीफ। ध्यान रखो फिर से कहता हूँ मैं तो एक दृष्टांत देके तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि असली मौन की तलाश करो। पता है मौन की परिभाषा क्या है? चित्त की शांतता ये मौन है। चित्त की शांतता ही नहीं है आपको कोलाहल चल रहा कोलाहल, आपको याद है वो सामायिक कर रहे थे सामायिक तो इधर से तो मौन थे ना, ये सारा भी नहीं कर रहे थे, ये सारा भी तो नहीं कर रहे थे जैसे वो तेल डाल दिया सारा भी नहीं कर रहे जी, मैंने उन्होंने इशारा भी नहीं किया कि तेल मत डालो दीपक में, वो कुछ कहा भी नहीं लेकिन चित्त की अशांति थी तो मौन तो नहीं हुआ। कुछ समझ में आ रहा कुछ क्या कह रहे? प्रतिज्ञा करके जाओ, वर्कशॉप चल रही है प्रतिज्ञा करके कि हम यदि मौन करेंगे तो हम मौन ही रखेंगे तो नहीं तो इससे तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा भी फायदा नहीं होगा नंबर वन और एक गलत परंपरा चल जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज वो उल्टा नहीं मानना नारायण नहीं होना, मैं कह रहा हूं मतलब मेरा कोई उद्देश्य खराब नहीं है, हमारे यहाँ 100% पूजा की पद्धति गलत चल रही है। क्रियाकरण की तरफ से नहीं कह रहे हम, चरणामियों की तरफ से हम साध्य की तरफ से कह रहे, क्रिया में तो हमें कोई तकलीफ नहीं, तुम ऐसे करो ऐसे चढ़ा दी तुमने देखा सो कर लो, वहां में जो देखे सो मैंने चाय जैसे भी नहीं जो देखे सो ऐसे नहीं कह रहे हम उसमें मान लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य इसी इसी गाथा के प्रवचन करते हुए संभव है। अपने राजन कुमार जी पंडित जी ने भजन गाया बहुत अच्छा, लक्ष्य बिंदु का न हम कभी पता लगा सके, हम लक्ष्य बिंदु का पता ही नहीं लगा पाए। बोलो पूजा का लक्ष्य क्या था? जब तक लक्ष्य नहीं मिले आपको नहीं लौटना चाहिए, शास्त्र पढ़ने का लक्ष्य नहीं मिला आपने बंद कैसे कर दिया, आपने अकाउंट तो बंद नहीं किया। बोलो आज मौन का लक्ष्य आपने नहीं साधा। देखो लोगों क्या लगता है, फिर से बोलता हूं हमको क्या लगता है औरों से तो अच्छे, भैया फिर कह रहे तुम्हारा लक्ष्य नहीं है औरों से अच्छे का क्या मतलब? एक बार एक दृष्टांत दे रहे सच्ची घटना भाई हमारे साथ भाई दे रहे, ग्वालियर ऐसा स्टेशन है जहां पर 36 घंटे लगभग सेम टाइम पर इधर से भी आती उधर से भी आती, मेरे ख्याल से मेरे सामने ऐसा हो गया। सो हम जैसे ही पहुंचे रेलवे स्टेशन तो कहते हैं छत्तीसगढ़ अपना स्टेशन छोड़ रही है, तो नाम तो छत्तीसगढ़ था जबकि हमें आना था इस तरफ वो जा रही थी दिल्ली साइड और लिखा था छत्तीसगढ़ और चल दी, तो हमने लाइन क्रॉस करके चलती गाड़ी पकड़ ली, कहीं और छत्तीसगढ़ छूट जाएगी तो हम परेशान हो जाएंगे, बैठ गए और एसी डब्बा था तो अंदर और तीसरी ले ली, कहो कैसे तुम कैसे चल गए, हमें भोपाल जाना है अजी तो बोल गया तो वहां जा रही ये तो दिल्ली जा रही, अब समझ गए बेचारे उसे कुछ नहीं कहा अगले स्टेशन उतार दी वहां बोरे नाम है। लेकिन हमारा मतलब क्या था, अब मैं कहूँ औरों से तो अच्छे मतलब निकला कम से कम बैठ तो गए पॉइंट पकड़ लिया मैंने ऐसे विपरीत साध्य की प्राप्ति करना, मैंने विपरीत ट्रेन में बैठ गए
बहुत लिखी करो मेहनत लिख के अंदर अंदर पढ़ी रहती है। अपन स्वाध्याय कर रहे हो सुनो ध्यान से, यदि लक्ष्य के लिए कर रहे हो ना आपका उपयोग नहीं बैठ है, लेकिन जब लक्ष्य के लिए नहीं कर रहे मंदिर मंदिर बैठ के ऐसे कर रहे, तो जब कोई नहीं हुए तो ऐसे बैठ गए। और जैसे सुमत प्रकाश जी आए का मतलब निकला तुम्हारे जी लक्ष्य बिंदु था तुम्हारा, सुमत प्रकाश जी आ जाए दिखावा करो जी लक्ष्य बिंदु था तुम्हारा, लक्ष्य के लिए पढ़ो अगर आपका उपयोग नहीं बैठ गया। आपको पता है बच्चे का लक्ष्य बिंदु मार्च अप्रैल में बहुत ज्यादा होता है, फरवरी मार्च अप्रैल खूब जल्दी जल्दी पढ़ लेते, पूरी कॉपी पढ़ लेती याद कर लेते फटाफट, और जुलाई में क्यों नहीं पढ़ पाते बताओ, जुलाई में क्यों नहीं पढ़ पाते, एक प्रश्न याद करने को 7 दिन लग जाए, एक जरा सा होमवर्क करने में, एक पार्ट का होमवर्क करने में समय लग जाता है, समझ में आ गया बस। मुझे कुछ जो कहना है साधे साधक शब्द पे वो ध्यान रखना, मैं चाहूं तो केवल बता के भी छोड़ दूं आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूं मेहनत करो। हाँ फिर से बोलो, परावलंबन छोड़ने के लिए पूजा की थी, पंडित साहब की रचना में से बोलो, बहु युक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट, उद्देश्य क्या है राग को विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बोलो उद्देश्य, देखो भाई खूब मेहनत की बात चल रही, मुझे पता है अपन लोग यही चूक करते हैं, मैं भी अपने आप से कहता हूँ, आप भी अपने से कहो, शास्त्र पढ़ के जब तक अपना आनंद नहीं आ जाए तब तक मैं तो खराब दृष्टांत देता हूँ, कहो तो दे दू, बोले खराब दृष्टांत जल्दी याद रह जाएगा आपको, थोड़ा अच्छे शब्दों में दे देता हूँ कोई बात। पत्नी को पति की चिट्ठी आई हो विरह काल में, विरह काल समझिए पति 10 साल से नहीं आया, वो पति की चिट्ठी आए तो पत्नी कैसे पढ़ेगी चिट्ठी बता कैसे पढ़ेगी, चिट्ठी आई हाँ ठीक है कैसे, चिट्ठी अरे चिट्ठी चिट्ठी अरे पूरा फोकस आ गया देखो, और खोल के अब कौन से शब्द सबसे पहले पढ़ेगी बता, अब मान लो पूरी चिट्ठी पढ़ ली, अब अगली बार कौन कौन सी चीज पे फोकस होगा उसका, जहां जहां उनके वचनों में अपने प्रति प्रीति झलकती हो, जितने जितने शब्दों में प्रीति झलकती हो वे शब्द फोकस होंगे, समझे वो स्ट्राइक वे ही घूमेंगे, क्यों चिट्ठी में तो बहुत सारी बातें लिखी 20 बातें याद नहीं आई, जो सबसे आनंददायक चर्चा होगी वो याद आएगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, आज के बाद ग्रंथ खोल के पढ़ो, जो शुद्धात्मा बताने वाली सबसे रोमांचक बात है यदि वो आपको याद आई तो शाबाश, यदि आपने उसका निर्णय किया तो शाबाश, यदि उसे पढ़कर भी याद आई तो शाबाश। मैं थोड़ा फिर खुलासा करता हूँ, शास्त्र तो अपन सब पढ़ते हैं, इस ग्रंथ के आधार से जो टीके चल रही है उसमें से मुझे एक लाइन कहनी है, सभी ग्रंथों में ये बात लिखी नहीं मिलेगी, 4 अनुयोग में ये लाइन लिखी नहीं मिलेगी जो यहां लिखी है, कौन सी कि परावलंबन छोड़ने के लिए 4 अनुयोग है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है वहां तो स्वावलंबन लेने के लिए चरणानियोग पढ़ो, प्रथमानियोग पढ़ो, द्रव्यानियोग पढ़ो, कर्णानियोग पढ़ो, कुछ कह रहा हूं मैं बहुत खुलासा करके, फिर से बोलता हूं जैसे मैं भी पढ़ता था तो पहले तो पता नहीं था ना ये सर, तो चरणानियोग पढ़ते थे तो पढ़ते से टेंशन में जाते थे, टेंशन समझ गए और ये कितनी बात है लिखी, ये तो अपन पाल ही नहीं पाए, बता दो कैसे पानी छानने की विधि लिखी, नहाने की धोने की खाने की पूजा की, तो एकदम आगे चले जाते थे। और उद्धत्ता हो ना उद्धत्ता, हाँ कोई नहीं पाला, देखिए पंचम काल है जो चौथे काल के ग्रंथ है, लो उलाने किसको दे दिया, जो चौथे काल वालों के लिए है, अपन तो ऐसे ही खाते ऐसे पिया थे ऐसे चले, तो चरणानियों के ग्रंथ पढ़ करके भी या तो डिप्रेशन में चले गए या कर्तत्व में चले गए, ये दो ही गड़बड़ हो गए। सुनो फिर से बोलो, चरणानियों के ग्रंथ का स्वाध्याय काय के लिए करना चाहिए, अब जी बहुत मेहनत करना तो आपको मौन में स्वावलंबन होगा, पूजा में स्वावलंबन होगा,
मैं सच में कई बार देखता हूँ, देखते ही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ते हैं लोग पूजा में पूरे हिंदुस्तान में। मैंने जो मुमुक्षु नहीं कहते, अपने आप को स्वाध्याय नहीं कहते, मैं भी पढ़ती हूँ, लिखी ऐसी पढ़ती, तो मुझे उनके मुख से इतनी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा लगता है इन्हें पता भी नहीं लग रही क्या कह रहे, ये क्या कह रहे हैं। अब मैं रुलूंगा भव सागर में, क्या क्या बोलते ना, अब मैं जाऊंगा भव पार, कितनी अच्छी बात बोल रहे पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जी खबर नहीं है मैं जाऊंगा भव पार का मतलब क्या है। आगे समझ आई आज के प्रवचन का मूल उद्देश्य साधक और साध्य। यदि साध्य आपके दो हो सकते हैं, कौन कौन से साध्य होंगे, समय के साथ और दूसरा केवल ज्ञान, दो मतलब रत्नत्र की पूर्णता और रत्नत्र की शुरुआत, रत्नत्र की शुरुआत पहला नंबर और रत्नत्र की पूर्णता दो नंबर, ये है साध्य। यदि तुम्हारे दिमाग में फोकस रहेगा तो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते अब हमें कुछ नहीं कहना, इसको कहते हैं जहां चार है वहां राह है, अब आपको मार्ग मिलता चला जाएगा। कुछ चीजें बताई हमने मौन और जी सब उधर आपको बाकी लगाना है। बोलो भैया व्यापार काय के लिए करना है, परावलंबन छोड़ने के लिए, दूसरों के घर कब तक खाएंगे, दूसरों में कब तक रहेंगे, चलो अपना कमाओ, ये परावलंबन छूटा तो ये स्थूल परावलंबन तो छूट गया, अब थोड़ा सूक्ष्म परावलंबन भी छोड़ो अंदर छोड़ो। अरे वो दिन कब आएगा जब धन कमाने का भी विकल्प नहीं हो सकता है। तुम बताओ 100 साल के लिए कितना चाहिए तुम्हें, बताओ शरीर के लिए कितना चाहिए, भोजन कपड़ा बोलो, यदि उत्ता हो गया है तो बोलो राजकुमार क्या कह रहे, काय के लिए बढ़ा रहे। इंटेलिजेंट आदमी इसका नाम थोड़ी है कि मरने के लिए टाइम नहीं मिल रहा इसलिए हम टाइम काट रहे, टाइम नहीं काटो स्वावलंबन काटो। अब आगे 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 बोले सुनो, स्वाध्याय भी परावलंबन छोड़ने के लिए था, बाद में स्वाध्याय स्वयं परावलंबन लगने लगे, कुछ कहा नहीं जल्दी से, पहले पूजा में स्वावलंबन लगता था, क्यों पूजा नहीं करते थे तो टीवी देखते थे वो परावलंबन था, पूजा नहीं करते थे तो गप्पे लगाते थे अखबार पढ़ते थे, पूजा नहीं करते थे जन कौन कौन लोग आ जाते थे तो उनसे उनके परावलंबन से बचने के लिए भगवान पूजा कर, थोड़ा परावलंबन छोड़ा अनुव्रत, अनुव्रत अनुव्रत हो अनुव्रत, पूजा करना अनुव्रत, उनके अवलंबन से बच गए परावलंबन से, और बाद में पूजा ही परावलंबन लगने लगे तो वो भी छूट गई, वो भी छूट गई तो महाव्रत। दिगंबर मुनि भगवान क्या नहीं करते बोलो, बोलो भाई दिगंबर मुनि राय पानी छानते, पानी छानना ही परावलंबन हो गया उनका, पानी नहीं छानते द्रव्य भी नहीं चढ़ाते, नहीं जाते, तो ये ध्यान रखना। आगे चलूंगा हम आपको साधक साध्य, तो अब एक शब्द और इसमें, जिनकी साध्य पर दृष्टि है उनको साधन जानने में मात्र जानने में मात्र जानने में आता हुआ प्रयोजन मान रहे, जाना हुआ प्रयोजन मान नहीं, समझ में आया कुछ, जानना नहीं जानने में आता हुआ प्रयोजन मान है, जिसके लिए कहा था शुद्ध ने ज्ञाता मैंने शुद्ध ने जानो, और यहाँ पर व्यवहार नहीं जानो, एक ही बात फिर से कहता हूँ। अभी दृष्टांत क्या दिया था, दिल्ली जाओगे तो रास्ते सारे जानने में आएंगे, अपने जब पंचकर्ण हो रहा था तब बाबा जी आए थे आत्मानंद जी तो उनके प्रवचन मात्र नहीं हुए थे, सबने सुना भी नहीं उनको, लेकिन हुए तो वो एक बहुत अच्छी बात कहते, जब हमसे पूछते थे बाबा जी समय दर्शन कब होगा, तो भी ऐसी मस्ती से ताली लगा कहते, क्या कहते थे वो सुना, जब मोक्ष जे है तो गेल में डर मिला, समझ गए क्या कह रहे, वो सम्यक दर्शन गेल गेल तो समझते होंगे विधि सा, क्या ताकत हो गेल में डर मिले कि ये भैया हमारी बड़ी भावना है ब्रह्मचर्य का मिले, तो जी दीनता पूर्वक नहीं
स्वावलंबन पूर्वक बोलो हरे ज्ञान में डरो मिले मुनि दीक्षा कर ले बोलो ये सब कैसी बातें कर रहे मुनि दीक्षा डरो मिले वो क्या अनंत पुरुषार्थ से होगा किसने अनंत पुरुषार्थ इसी का नाम है कि लक्ष्य बिंदु मत भूलो लक्ष्य चूके और गए बच्ची रोटी बनाती है पहली बार तो उतनी अच्छी रोटी ना तो बेल पाती है और ना बना पाती है तो जब उसे रोटी नहीं मिल रही तो बेचारी ऐसी कर रही हमसे नहीं बन रही तो अम्मा की ये बनता रही देख कितनी अच्छी बन गई देख ऐसे कह दी अब ऐसी बना के खुश हो जाए तो अम्मा तो खुश हो रही थी तारीफ कर रही थी छोटे छोटे बच्चे होते दो दो तीन तीन साल चार साल के उन्हें एक लोही पकड़ा दी ताकि खेला जाए बनाते रहते चिपकाते रहते वहां फिर निकाल परिवार की लोही बनाते अब बीच बीच में उसको मोटिवेट कर देते हाँ रोटी बना रहे रोटी बना रहे बनाते ना तो कुछ नहीं सुनो अब वो रोटी मान लो बड़ी हो गई बच्ची 12 साल की अब रोटी जल गई अब दुखी हो गई क्यों अब तो थोड़ी समझदार हो गई ना तो जली हुई रोटी तो भी अम्मा खुश हो कहती हाँ शाबाश डरो मत इतनी अच्छी रोटी बन गई अगली बार और अच्छी बनेगी पॉइंट पकड़ो अगली बार अब बच्ची से रोटी जली हुई खुश हो जाए आपको पता है आखिरी में बिल्कुल अच्छी रोटी बनने लगी तो अभी जो माँ होती है वो बहुत सूक्ष्म पकड़ लेती है बेलन चलावा नहीं है सब जगह एक जैसे चलने चाहिए भूल तो जा अरे भूल तो जैसे जा कि मोटी है तो भूल जाएगी मम का बात तो जो कि दोनों परत एक जैसी पतली हो मोटी हुई है तो एक परत मोटी हो जाएगी और एक परत पतली रहेगी ऊपर वाली रोटी तो वो सबसे अच्छी होती है ऐसे बेलो कि कहीं भी पतली ना रहे कहीं भी मोटी ना रहे जिसको कहते लाम जलाम जिन रोटी बेलना नहीं आता बीच बीच में बेल देंगे तो चारों तरफ मोटी बीच में पतली दर्पण जैसे देख सकते रोटी बनाने की बिजी है और कोई कोई साइड साइड में बेल देते बीच में मोटी रहेगी अभी भी रोटी बना इधर तो आती है सबको लेकिन जो सूक्ष्म पकड़ वाली होती है वो कहती है नहीं प्रॉपर रोटी ऐसे बने दृष्टांत हम कह रहे मेरा मतलब कि वो रोटी जल नहीं रही हालांकि रोटी खराब नहीं बन रही और खाने वाले खा जाएंगे उसको नहीं समझेंगे लेकिन जो सूक्ष्म पकड़ वाली है वो कहते नहीं बेटा अभी रोटी में फिनिशिंग नहीं आएगी कसर है ऐसे ही 16 बांध का सोना जब तक शुद्धात्मा तुम्हें नहीं मिल जाए किंचित माधवी राग है तब तक तुम्हें साधक भूमिका में व्यवहार प्रयोजनवान है बड़ा साधक साधक की इतनी चर्चा हो गई अब चाहे तो इसी की घोटाई कर ही जाए समझ में आई बात मैंने आपको घटित करनी है इन चीजों को एक पंक्ति राजेंद्र कुमार जी की भजन में आती है बेगार कब तक करोगे बेगार समय बोलो इनकी बेगार कब तक करोगे रत्नत्रय की नौका लेकर के कब बाहर चलोगे बोला मुझे अच्छी तरह से याद है जी वाला भजन उन्होंने तब सुनाया था जब पहली बार वो क्या कहलाता है वीडियो रिकॉर्डर आए थे मुझे प्रमोद जी ज्ञानचंद जी साहब के बेटा है लाए थे नए वो घर पे रिकॉर्डिंग बनाई थी उनकी और स्टेशन के मंदिर पर रात को दिखाई है वो ये भजन उस समय उन्होंने गाया था बहुत बरस हो गया तो उस रिकॉर्डिंग में मतलब बोलो बेगार कब तक करोगे तो अब मैं बताऊं बेगार का मतलब क्या कह रहे सुनो जिन्हें अपने लक्ष्य की खबर नहीं है निस्वाध्याय बेगार की भांति करते हैं बेगार समझ गए ये क्या सुख क्रियाएं भी आप कर रहे हैं लेकिन बेगार की भांति कर रहे हैं बेगार समझते हो जिसमें अपनापन नहीं होता जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता जो बच्चे काम नहीं करना चाहते ना तो अम्मा से जब पानी मिल रहा तो बेगार की भांति टार दे समझ गए बेगार समझते हो कि नहीं
सुनो, यदि आपको लक्ष्य नहीं मिला, लक्ष्य मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ, मैं भगवान तत्व हूँ, कल रात की भाषा में कहो तो उत्पाद कैसे रहित। हमें कल रात का प्रवचन जिन्होंने सुना उन्हें पकड़ना चाहिए। भले मैं सरल भाषा में बोलने की आदत है मेरी बच्चों के बीच में, मुझे ऐसा लगता है एकदम सरल जिंदगी में पकड़ में आ जाए कि उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव। उत्पाद व्यय पे नजर नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, सब रात को बताई थी आपको बात। अभी तो हम ये कहेंगे बेगार मत कर, जैसे मैं कहूं आप ऐसे बोलो, अब जाते हैं मंदिर, आपकी बोली जी टोन ही बेगार कह रहा है। माता पिता बीमार है, अब दे तो रहे दवाई, अब और क्या करे जी, बेकार की भाषा है। सुनो, दवाई उतनी दो जिससे स्वस्थ हो जाए, तब दो जब जरूरत हो, ऐसे नहीं टाइम निकल लो दो घंटा चार घंटा हार्ट अटैक की दवाई और लेट दे रहे, बेकार की तरह मत कर, समझ गए तो बेकार। ऐसे स्वाध्याय करके तत्व निर्णय में प्रतीति नहीं हुई तो बेकार है। ए जो नहीं कर रहे स्वाध्याय उनसे तो कुछ कह ही नहीं रहे, उनसे तो ये कहेंगे स्वाध्याय करो। लेकिन मैंने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, मुझे बहुत दुख है कि हमारी पूजा पाठ की जो परंपरा है वो गलत है। गलत मतलब कहां से गलत है, वो लक्ष्य को लेके नहीं हो पाए। तो पंडित जी हम क्या करें जी बताओ, जैसी चल रही वैसी है। नहीं हम तुमसे कह रहे, सबसे कह रहे, बोलो कह दे, बोलो कह दे, अब टाइम हो रहा है इसलिए कह के छोड़ दे, मैं नया पॉइंट शाम को उठाऊंगा। अपने बच्चों को सबसे पहले यही कहो, जिन दर्शन ने इस दर्शन के लिए है, बच्चे को पहला परिचय दो बेटा, ये जिनेंद्र भगवान जैसे तुम भी बन सकते हो, उसे रोमांच होना चाहिए। इसके लिए मैंने वो गीत लिखा बच्चों के लिए, एक बच्चों के लिए गीत लिखा, आपने सुन लिया होगा रिकॉर्डिंग में आ गया, मामा ये तो बता पहले प्रभु जी कौन थे, कौन थे। तो माँ ने पूरा जानकारी यही दी जो मैं देना चाह रहा हूं, प्रभु भी पहले बच्चे थे तेरे जैसे, उसे क्या लगना चाहिए, तेरे जैसे सच्चे थे, तेरे जैसे बच्चे थे, जैसा आज तू बच्चा है तेरे जैसे बच्चे थे। और बच्चे को लगा जब भी मेरे ही जैसे थे, उसके ज्ञान में आ गया कि मेरे जैसे थे, तो भी तो सुखी हो गए। अच्छा मां, मेरे जैसे बच्चे थे, मेरे जैसे सच्चे थे, तो फिर मैं क्यों रहता यहां दुखी, वे फिर कैसे हुए सुखी। तो फिर अब उपाय पूछा उसने, उपाय फिर उपाय बताया, प्रभु ने जाना आत्मा बन गए वो परमात्मा, मैं भी जानू आत्मा बन जाऊं परमात्मा। एक दृष्टांत देती है आपको, एक दृष्टांत, ऐसे आप बच्चों को हमेशा ही प्रशिक्षण दो। हमारे भतीजे ने दोनों अजय की बेटी पढ़ रहे जो उधर जयपुर में, उनको जितनी बार मिलता हूँ यही बात कहता हूँ, तुम फर्स्ट पास नहीं होगे मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम टॉप रैंक नहीं लाओगे हम बड़ी खुशी होगी, लेकिन तुम समय दर्शन नहीं कर पाओगे तो बहुत दुख होगा। तुम बिल्कुल किनारे पे आ गए हो, पांच साल शास्त्री कर रहे किनारे पे खड़े हो, तुम चाहो तो जंप मार जाओ। हर बार एक ही प्रेरणा बस, और हमें कुछ नहीं कहना, क्यों कि जैसे सम्यक दर्शन करना होगा उसे जिंदगी में कोई प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं, कोई संस्कार देने की जरूरत नहीं, उसे शुद्धार्थ भी अच्छा ना लगता है, उसे चाहे जितनी कुछ उपाय करो ऊपर से कुछ नहीं हो। सुन लिया बेटा तुमने, अगले साल तुम भी जाओ इसलिए तुम्हारे सामने कह रहे, तुमसे भी यही कह रहे ये समझो, सब बच्चों से यही बात कहते हैं, ये संस्कार डाल। मौन के समय क्या कहोगे बोलो, लिख लो घर जाकर, परावलंबन छुड़ाने के लिए समस्त क्रियाकलाप है, सारी क्रिया काय के लिए है, अब लगाते जाओ, पहले स्थूल परावलंबन छोड़ते, स्थूल सूक्ष्म छोड़ते, अंदर का आखिरी में क्या कहा था बोलो, पूजा ही पूजा का भाव भी परावलंबन लगता है। हालांकि तुम लोग आपत्ति कर सकते हो अपने मन से ही, खेत रेत प्रवचन में कहीं लिखी है क्या, पढ़ो नियम सारजी, पढ़ो नियम सारजी, पढ़ो नियम सारजी में परावलंबन के लिए एक शब्द आया, पर बस पर अवलंबी और पर बस, मां क्या लिखा है पता है,
द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करना, मैं आत्मा हूं ऐसा चिंतन करना, ये भी परवश है। क्यों? किसी पुरुष को पत्नी के बस होना चाहिए? दस समझा नहीं, परवश। कई बार मन हाथ कैसे कहते, अब हम क्या करें, ये परवश है, हमारे हाथ में तो है नहीं, परवश है, होता ही नहीं सर। तो वहां क्या कहा पता है, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये जो चिंतन है आचार्य देव कहते हैं वो मुनि परवश है। तो स्वयंवश हो, और जब इतनी बात कही तो एक बात और कहने की इच्छा हो रही, फिर ये विषय नहीं उठाऊंगा। लेट चालू हुआ था, आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं, लेट चालू हुआ था ना माइक की सेटिंग के चक्कर में, कहो तो छोड़ दो जल्दी बोलो। नहीं, एक नई बात और बता दो, बहुत अच्छी बात। सट आवश्यक, नाम सुनो, सट आवश्यक। आवश्यक क्या है? अवश्य करने योग, तो अवश्य करने योग, तो करने योग को इधर रख दे, अवश्य बोला अवश्य, बस होने योग्य नहीं, पॉइंट बन गया आ नहीं, बस किसी के बस, समझ गए? आवश्यक कमी नहीं बोलो, आ माने नहीं, बस किसी के बस होने लायक नहीं है, नहीं है योग्य, अर्थात किसी के बस होने योग्य नहीं है, इसका नाम आवश्यक है। माने ऐसे काम करो जिससे किसी के बस ना हो जाए, कुछ समझ में नहीं है। सट आवश्यक के नाम बोलो, तो देव पूजा, देव पूजा ऐसे करो कि देवों के बस मत हो जाओ। हाँ, बहुत गजब है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो भाई, जो लोग पूजा नहीं करते उनसे नहीं कह रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं, पूजा ऐसे करो कि उनके भी बस मत हो, उनके बस के मतलब समझ गए। जैसे मान चलो 5 दिन प्रवचन करके चले जाएंगे, तो जाते जाते ऐसे मत देखो अब तुम तो चले जाओगे, अब हमारो काम किया, ये तुम तो हमारे बस हो, तुम हमारे बस मत हो, हम तो 5 दिन में इसलिए क्या कहलाते ट्रिक, हम तो ट्रिक बताते स्वयंवश होने की, आप भी पढ़ो और पढ़ करके आनंद निकालो, ठीक। ऐसे देव पूजा गुरु बस थी, बस नहीं हो ना, ये आवश्यक कार्य। और ऐसे शास्त्र पढ़ने में भी परवश नहीं हो ना, स्वयंवश होना, देव शास्त्र गुरु हो गए 3, अब कौन बच गए इसमें से? देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान, अब समय तो नहीं है, इशारा कर दिया आपको। इसके बाद देव शास्त्र गुरु के बाद नंबर आ गया संयम का, और संयम से तब पड़ेगा, और तब पड़ेगा तो दान होगा। सोच लो कैसे होगा ये, तब बिना तप बड़े दान नहीं कर सकते आप, वो बिना संयम के तप नहीं कर सकते, और बिना देव पूजा के गुरु उपासना नहीं हो सकती, ये सब स्टेप टू स्टेप है। इसलिए जो लोग कहते हैं पंडित जी दान दे, वो बहुत सोचा दे ही नहीं पा, नहीं सोचते रहेंगे तो इच्छा का निरोध जब तक नहीं होगा तब तक दान नहीं होगा। अरबपति आदमी भी दान नहीं कर पाता, क्यों? उसके पास इच्छा है, काय की इच्छा, एक नई फैक्ट्री लगाना है, उसमें 10 करोड़ लगाना है, उसमें ऐसे ऐसे लाना है, उसमें इतने कर्मचारियों को सैलरी देना है, वो दान नहीं दे पाता, क्यों? इच्छा। सुनो, अपना प्रयोजन का काम पूरा कर लिया, अब नई दुकान नहीं खोलना, नई फैक्ट्री नहीं खोलना, वो नहीं करना, इच्छा इच्छा निरोधस्तपा, इच्छा निरोधस्तपा, समझ गए? ए श्रावकों का तब क्या है, जीवो वाला तब नहीं, मुनियों वाला। सुनो, बोलो एक लाइन में बोलो, याद रखोगे? अशुभ इच्छाओं को जीत लेना ये श्रावकों का तप है। क्या बोला हमने? इच्छा निरोधस तप, पहले अशुभ को जीतते हैं, भैया इतनी बहुत है, इतने कपड़ा, इतना मकान, दुकान बहुत है, बस क्या कर ले, अब वो दान देगा भैया फालतू पैसा, अब क्या करे। मुझे कई लोग बहुत मिलते हैं ऐसे, वो हमसे आगे आगे कहते हैं पंडित जी हम पे पैसा बहुत है, कहाँ दे दे, तो आपको आश्चर्य लग रहा हूँ, ऐसे भी होंगे लोग। अभी देवलाली में कहाँ पर एक व्यक्ति ने मकान बिल्डिंग वो कुछ बेचा, तो बहुत पैसा आया, 1 करोड़ कितना है पता नहीं, तो उनके ऊपर के फोन आए, आप बताओ पंडित जी हम कहाँ पैसे दे रहे, तो उन्होंने सब संस्थाओं में 2-2, 5-5 लाख रुपए दिए, सब
बोले अब हमें खर्चा है नहीं, अब जोड़ के काय को रखे हम, बिक गया मकान फालतू था करोड़ रुपया आया साफ दे गए। मतलब क्या मतलब, जब इच्छाओं का निरोध होगा मैंने तब होगा, और तब होगा तो दान आखिरी नंबर पर डाला। बोलो भैया दो लड्डू हैं और दो आदमी हैं, एक लड्डू कब खिला पाओगे सामने वाले को? जब एक लड्डू को खाने की इच्छा हो दो लड्डू खाने की इच्छा ना हो, और लेकिन दो ही लड्डू सूखने की इच्छा होगी तो हम नहीं दे पाओगे यार, तो तुम छिपाए रखोगे छिपाए रखोगे, जब तक वो खा पी ना ले उठ ना जाए, अपन इंतजार करेंगे धीरे धीरे सलाद खाएंगे, फिर दो तीन बार अपन इशारा करेंगे तुम चलो हम आ रहे। क्या मतलब, आपकी इच्छाओं का निरोध नहीं है तो आप मायाचारी करोगे नाना प्रकार के परिणाम करोगे, लेकिन एक एक लड्डू नहीं खिला पाओ। अब वो आदमी फिर चतुर था, समझते तो बेबी है, चल के जो वाला डब्बा नहीं खोला तुमने, अब मना करो तो आप खोलो तो आप, ये हाँ अच्छी हुई याद आ रही एक लड्डू ले लड्डू ले, अब खिलाना भी पड़ा। पॉइंट समझ में कुछ, मैं फिर कुछ अभी सुनो, जी जो दान नहीं हुआ उसने लड्डू मांग लिया अपन ने देना पड़े, दान नहीं हुआ क्यों? क्योंकि इच्छाओं के निरोध के बिना दान नहीं होता। समझ गए, ये समझ रहा स्वाध्याय जो छह आवश्यक क्रम जबरदस्त है और मनुष्य विचार करना।